चार एंग्लो मैसूर वार जो हुए थे ना मैसूर और इंग्लैंड के बीच में, तो पहला हुआ था 1767-69 हैदर अली और मतलब ब्रिटिशर्स को लेकर। स्टार्टिंग में क्या था, ब्रिटिश मराठा निज़ाम एक साइड में थे, बाद में क्या हुआ कुछ इधर उधर करने से निज़ाम मतलब ये हैदराबाद के जो लीडर थे, फिर निज़ाम मराठा और हैदर अली मतलब सभी इंडियन लोग एक साइड हो गए और बचे ब्रिटिशर्स अकेला पड़ गया, तो जाके हैदर अली जीत गया और उसमें बंगाल का गवर्नर वर्लेस्ट और मद्रास पैक्ट साइन हुआ 1769 में, इसमें कुछ किसी वहाँ से नहीं हुआ। फिर आया सेकेंड 1780-84 के बीच में, गवर्नर उस समय था वारेन हेस्टिंग्स, 1780-84 वारेन हेस्टिंग्स के इंग्लैंड संधि का उल्लंघन किया, वो माहे को कंट्रोल करने के लिए चाहे फ्रेंच एरिया था वो, तो क्या हुआ स्टार्टिंग में हैदर अली मराठा और निज़ाम थे, लेटर में क्या हुआ इंग्लिश सेना का लीडर आयरे कूटे आए मराठा और निज़ाम भी सेमी रहा, जिसके कारण हैदर अली का डेथ हो गया पोर्टोनोवा के युद्ध में, पोर्टोनोवा 1782 में, और उसके टीपू लीड करता रहा, दो साल लड़ता रहा फिर आखिर में मैंगलोर की संधि हुई 1784 में और ख़त्म हो गया। इसमें बराबर का भी युद्ध हुआ था, बराबर का युद्ध था ये। फिर थर्ड बैटल हुआ था 1790-92, उसमें गवर्नर कौन था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंगलोर पैक्ट हुआ था फ्रेंडशिप मेंटेनेंस, कॉर्नवालिस लेटर टू फ्रेंड मतलब कि दोस्ती के लिए एक लेटर लिखा था मैंगलोर पैक्ट, पर कॉर्नवालिस ने उसमें टीपू का नाम नहीं दिया, तो टीपू ने ट्रैवनकोर ब्रिटिश का जगह था उस पर अटैक कर दिया, इससे दुखी हो गया, इससे मतलब चीज़ें बिगड़ गई और क्या क्या टीपू और एक और काम के लिए फ्रांस की हेल्प ले लिया, कस्तुतुनिया को समर्थन दे दिया, वो कहीं देश के बाहर कहीं कुछ चल रहा था। टीपू उसके क्या हुआ डिफीट हो गया इसमें 1790। कॉर्नवालिस ने बोला कि मित्रों को अधिक मजबूत नहीं किया, मतलब कि मराठा लोगों को मजबूत नहीं किया, शत्रु को कमज़ोर कर दिया, इसी में कॉर्नवालिस ने बोला था। श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था इसमें 1792 में जाकर, देखिए आधा मैसूर टीपू को रह गया और आधा तीनों के बीच में डिवाइड हो गया, बड़ा महल दुर्ग और दिंदी घाट, फर्स्ट रोतवारी यहीं पर बड़ा इधर में ही आया था बड़ा महल में फर्स्ट रोतवारी। चौथा होता 1790 एक साल में ख़त्म हो गया, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली ये थे गवर्नर थे, एक्सटर्नल काउंटी फ्रेंडशिप सहायक संधि नहीं स्वीकार किया, क्या वो सब्सिडरी एयरलाइंस को स्वीकार नहीं किया ये टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान फाइनली मर गया और बोला कि वेलेस्ली बोला कि पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में आ गया है, वेलेस्ली ने बोला था, और फिर से वाडियार डायनेस्टी को ये मैसूर दे दिया गया, कृष्ण राज थर्ड उसमें किंग बने।